दीपावली पर्व पर जहां एक तरफ पूरा देश उत्साह के माहौल में अपने परिवार के साथ खुशी मना रहा है, वहीं देश की सीमा पर सैनिक हमारी रक्षा के लिए तैनात है। भारत देश के साथ साथ झाबुआ जिले के परिवारों के सैनिकों ने भी देश के लिए अपनी शहादत दी है। झाबुआ जिले के मेघनगर के ग्राम झाड़ की टोड़ी में दीपावली पर्व पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले राष्ट्रीय गान करके शुभारंभ किया गया। शहीदों के नाम गांव में युवा महिला बुजुर्ग ने कैंडल मार्च की रैली निकालकर हजारों दीपक जलाकर शहीदों के नाम पर समर्पित किया। भारत माता की जय, वीर सपूत जिंदाबाद के नारों से मानव शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने लोग गलियों व सड़कों पर उमड़ आए। सभी ने दीप प्रज्वलन कर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। झकनावदा से मनीष कुबुंड की रिपोर्ट। गांव की युवा शक्ति द्वारा एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया, जो कि शहीदों को समर्पित कार्यक्रम था। पूरी तरह से हम तीज और त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो उन्हीं की बदौलत मना पाते हैं। आज हम यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं और वो हमारी सुरक्षा में सीमा पर खड़े हैं, जिनकी बदौलत हम बहुत अच्छे से जी पाते हैं, अच्छे हमारे कार्य कर पाते हैं, स्वतंत्र माहौल पैदा होता है उनके कारण ही। ये कार्यक्रम जो हमारे गांव के बच्चों ने किया है बहुत ही सराहनीय है और मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने ये जो कार्यक्रम शहीदों के नाम पर किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और आगे ऐसी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष अन्य ग्रामों में ये कार्यक्रम हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।